हाय दोस्तों, मैं मंगला प्रसाद निषाद, आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो सोते दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके इंजीनियरिंग ड्राइविंग फर्स्ट ईयर के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले पार्ट में दोस्तों 29 क्वेश्चन के बारे में बात किए थे, इस पार्ट में हम पूरे 20 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप यकीन मान के चलिए, अगर आप इतने तैयार कर लेते तो आप कहीं भी नहीं बजेंगे, और इससे कम से कम 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार से परेशानी हो आपके सिलेबस में तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है साथियों, ड्राइंग शीट के नीचे दाई तरफ क्या बनाया जाता है? जी हाँ, जो ड्राइंग शीट होता है उसके नीचे दाई तरफ हम क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए है मार्जिन रेखा, बी है बॉर्डर रेखा, सी है शीर्षक कक्ष, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, शीर्षक कक्ष बनाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, निम्न में से किस पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लू प्रिंटिंग कही जाती है? जी हाँ, किस पेपर पर जो ड्राइंग बनी होती है उसे हम ब्लू प्रिंटिंग के नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है ट्रेसिंग पेपर, बी है सैंड पेपर, सी है अमोनिया पेपर, डी है कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी, अमोनिया पेपर पर जो ड्राइंग बनी होती है उसे ब्लू प्रिंट कही जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेंसिल की नोक में मुख्य संघटक कौन से होते हैं? ऑप्शन ए है ग्रेफाइट एवं क्ले, बी है लेड एवं ग्रेफाइट, सी है क्ले एवं लेड, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ग्रेफाइट एवं क्ले। तो आपको कितने क्वेश्चन के आंसर जो है पता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस उपकरण का नाम बताइए जिसे छोटी दूरियों के मार्किंग व विभाजन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए है छोटी कंपास, बी है बड़े कंपास, सी है चांदा, डी है इंकिंग पेन। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए छोटे कंपास, जो है छोटे मार्किंग व दूरियों की विभाजन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिनी ड्राफ्टर निम्न में से किस उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों मापनी, बी है सेट स्क्वायर, सी है प्रोटेक्टर, और ऑप्शन डी है कैंपस। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी कैंपस, क्योंकि दोस्तों मिनी ड्राफ्टर जो है वह आपका मापनी का भी काम करता है, सेट स्क्वायर का भी करता है, और प्रोटेक्टर का भी काम करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आप अगर इसको तैयार कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए बहुत ही अच्छा नंबर जो है प्राप्त कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटेक्टर का प्रयोग किस लिए करते हैं? क्या मापने के लिए हम प्रोटेक्टर का कोण यूज करते हैं? ऑप्शन ए डिग्री में कोण, बी है रेडियन में कोण, सी है मिनट में कोण, और डी है दोस्तों रेखीय नाप। तो बेवल प्रोटेक्टर का जो माप होता है दोस्तों डिग्री में कोण मापने के लिए करते हैं, और वह जो है दोस्तों प्रोटेक्टर मिनट में मापता है, 5 मिनट उसका जो है बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट माना गया है 5 मिनट। तो आप इसको याद रखेंगे, और किसी भी प्रकार से क्वेश्चन में अगर आप बचते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में से ज़रूर पूछेंगे। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है जिनसे एक बटन है। ऑप्शन है पट्टियों को लगाना, बी है अशुद्धता से बचाव करना, सी है पट्टियों को विकृत होने से रोकना, और ऑप्शन डी है टेबल पर लगाना। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, पट्टियों को विकृत होने से रोकना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक संदर्भ रेखा पर खड़ी लंब रेखा क्या कहलाती है? जी हाँ, एक संदर्भ रेखा पर जो खड़ी लंब रेखा होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है तिर्यक रेखा, बी है क्षैतिज रेखा, सी है समांतर रेखा, डी है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, उसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम से जानते हैं। और ये भी क्वेश्चन जितने हैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थिर पानी की ऊपरी सतह के समानांतर खींची गई रेखा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है ऊर्ध्वाधर, बी है क्षैतिज, सी है तिर्यक, और डी है समानांतर। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन बी, उसे हम क्षैतिज रेखा के नाम से जानते हैं।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अदृश्य रेखाओं को दर्शाने के लिए कौन सी रेखा प्रयोग में लाई जाती है। जी हाँ, जहाँ पर अदृश्य कोई पार्ट है हम उसको दर्शाने के लिए किस रेखा का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए है बिंदुदार, बी है केंद्र, सी है वस्तु रेखा, डी है हैचिंग रेखा। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा, बिंदुदार रेखा का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, किस लाइन का प्रयोग विवरण को देने के लिए दर्शाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सभी। ऑप्शन ए है लीडर लाइन, बी है डायमेंशन लाइन, सी है एक्सटेंशन लाइन और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, लीडर लाइन का प्रयोग जो है विवरण को दर्शाने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैचिंग रेखाएं किस कोण पर झुकी होती है। जी हाँ, जो हैचिंग रेखाएं होती हैं वह किस कोण पर झुकी होती है। ऑप्शन ए है 30 पर, बी है 45 अंश पर, सी है 60 अंश पर और डी है 75 अंश पर। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 45 अंश के कोण पर जो है वह झुकी होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निरंतर मोटी रेखा का दूसरा नाम बताइए। जी हाँ, निरंतर मोटी रेखा का जो दूसरा नाम है उसे किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है विमांकन रेखा, बी है वस्तु रेखा, सी है केंद्र रेखा और ऑप्शन डी है प्रक्षेप रेखा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, वस्तु रेखा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोटे सिरों वाली पतली चिन्ह रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, मोटे सिरों वाली जो पतली चिन्ह रेखा होती है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है कटिंग प्लेन, बी है समानांतर रेखा, सी है संलग्न बाह्य रेखा और ऑप्शन डी है हैचिंग रेखा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, कटिंग प्लेन रेखा के लिए दोस्तों पतली चेन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हैचिंग रेखा के मध्य कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 0.6 mm, बी है 0.7 mm, जी है 0.8 mm और डी है 0.9 mm। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, 0.7 mm जो है न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। और जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रेखा के आयाम की चौड़ाई को किस अक्षर से व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है एस से, बी है डी से, सी है बी से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, स्मॉल डी से प्रदर्शित किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे है दोस्तों, ड्राइंग के मध्यम मोटी और पतली रेखाओं में जो अनुपात होता है वह क्या होता है। ऑप्शन ए है 5:3, बी है 5:2, सी है 4:3 और डी है 3:2। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह होगा इनमें से ऑप्शन ए, 5:3 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र रेखा किस तरह जो है दर्शाई जाती है। जी हाँ, जो केंद्र रेखा होती है वो किस तरह दर्शाई जाती है। ऑप्शन है निरंतर रेखा के रूप में, बी है लंबे दोहरे बिंदुदार सकरी रेखा के रूप में, सी है लंबे बिंदुदार सकरी रेखा और ऑप्शन डी है बिंदुदारी सकरी रेखा के रूप में। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, लंबे बिंदुदारी सकरी रेखा के रूप में दर्शाई जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, तीर के निशान की लंबाई तथा ऊंचाई का अनुपात क्या होता है। ऑप्शन ए है 1:3, 1:3, बी है 3:1, सी है 1:2 और ऑप्शन डी है 2:1। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, 3:1 होता है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।